तो गाइस अभी हो गया है सुबह सुबह का टाइम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। तो प्लीज़ जिसने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल पे जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, पहले कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को फुल वॉच करें और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें। तो अभी मैं सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, अभी सब नाश्ता वगैरह करेंगे और हमारी आपी भी आने वाली हैं आज, तो आपी भी आएंगी और सूजी ये लोग बहुत तंग कर रहे हैं, तभी मैं सुबह सुबह से उठी भी हूँ आज भी। तो अभी सब नाश्ता वगैरह करेंगे और आज मीठा तो शील कौरमा रखा हुआ है, जब वो ख़त्म होगा उसके बाद ही बनाएंगे हम, दोपहर में उरूजा भी बनाएंगी मीठा। तो बस जब सब तैयार होंगे फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, जब मैं भी तैयार हो जाऊँगी फिर आगे का ब्लॉग स्टार्ट करूँगी मैं। अभी मैं यहाँ पे तैयार होकर आई हूँ और यहाँ पे हुरा बीरा खा रही है मैक्रोनी स्पेगेटी वाल के, मैं आप लोगों को दिखाते हैं। इधर बैठी हुई है नूर खा रही है और इस साइड पे बैठे हुए हैं अवेश भाई, अभी खाएं तो। और इधर बैठी हुई है इरहा, इधर खा रही है हुरा मैक्रोनी, मैक्रोनी बोल रहे हैं स्पेगेटी बोल रहे हैं। कैसी बनी है हुरा? अच्छी। अभी मैं जाती हूँ दिखाती हूँ कि उरूजा भी क्या कर रही हैं, वो तैयार नहीं हुई हैं कल की तरह, क्यों कल भी क्या कहते हैं हम दोनों का काम एक साथ ख़त्म हुआ था तो हम दोनों एक साथ रेडी हो गए थे, आज का कहते मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया था तो मैं जल्दी रेडी हो गई और उरूजा भी इधर भी सारी जो हैं जल्दी जल्दी से स्पेगेटी अभी इन्होंने रेडी करी है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रही ये अभी इनका तैयार होना बाकी है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? उनका आप सब ठीक होंगे, हम बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का ब्लॉग जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो बस हमारी जो आपी थी वो भी आ चुकी हैं, हमारे ओवेस पर भी आ चुके हैं, तो अभी खा रहे हैं वो खाना जो मैंने बनाई थी मैक्रोनी, बहुत मज़े की बनी स्पेगेटी। सॉरी सॉरी सर, स्पेगेटी बनाई। अभी इनका तैयार होना बाकी है तो मिलते हैं इनके तैयार होने के बाद इनसे। मम्मी इधर इसलिए बैठी हुई हैं क्योंकि अम्मी ध्यान रख रही हैं बिल्लियों का, क्योंकि हम तो कर रहे हैं काम, तो मियाँ बैठी हुई हैं उधर हैं सारी बिल्लियाँ, इधर हैं बिल्ले, इधर जो हैं भाई ये खोल के क्या कर रहे हैं भाई? मैं इसका डिस्प्ले सही कर रहा। अच्छा, और इधर कुछ लग रहा है कंप्यूटर में? पबजी लगा हुआ है। अच्छा, इधर ये बैठे हुए हैं छोटे वाले भाई, आज ये लोग आज भी इन लोगों ने वही वाले कपड़े पहने हुए हैं, कल वाले कल मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था। तो बस यहाँ पे ये कुछ काम हो रहा है और गाइस देख सकते हैं आप लोग, मैंने आज जो है जूड़ा बांधा, पोनी बांधी है पर जूड़ा बांधा है और क्या कहते हैं ये मैंने पफ बनाया आज और मैंने टॉप्स पहने हैं, मुझे टॉप्स ही सही लगते हैं और ये पहना मैंने लॉकेट। अभी जो है अवेश भाई से हमने ईदी भी लेनी है गाइस, अभी ईदी बाकी है हमारी उनसे लेनी है, देखते हैं हुरब के पप्पा से हमें कितनी ईदी मिलेगी, है ना हुरब? है ना नूर, बताओ। हाँ हाँ, फिलहाल मैं पानी में आई हूँ, स्पेगेटी में बहुत मज़े स्पाइसी बनी है। हाँ बहुत ही स्पाइसी बनी है, मज़ेदार। यहाँ पे बोल रहे हैं स्पाइसी हो गई है, ज़्यादा पटी बनी है। माशाल्लाह से मेरी चुन्नी मुन्नी हीरा इतनी सफाई से खाती है खाना माशाल्लाह से। और गो इशू जी, थोड़ी सी शादी लिया और इनको चाहिए शादी, क्योंकि इन्हें भी बहुत मिर्चा लग रही है, बोल रहे हैं बहुत मसाला हो गया है तो इसमें मैं शादी ला के देती हूँ इन्हें। अभी हम लोग यहाँ पे सब बैठे हुए ड्राइंग रूम में, यहाँ पे स्पेगेटी देख सकते हैं आप लोग कितनी मज़ेदार और चटपटी सी जो है रेडी हो चुकी है और क्या कहते हैं अभी इसमें से सब लोगों ने खा भी लिए गाइस। यस, अब ये इतनी सी बची, बाकी लोगों ने भी खा लिए और ये सादी इसलिए इधर रखी है और यहाँ स्पाइसी रखी है, क्योंकि ये बहुत ही स्पाइसी बनी है तो इसलिए हमने सादी अलग साइड पर रखी, ताकि मिक्स करके जो ज़्यादा मिर्चे लगे सब पर मिक्स करके खा लें। तो गाइस बहुत ही यम्मी बनी है चटपटी। तो गाइस उरूजा भी अभी भी जो है तैयार नहीं हुई हैं, उनके काम ही नहीं ख़त्म हो गए देर है, क्यों? क्योंकि अभी वो बना रही हैं मीठा, जो हमने कल मीठा बनाया था वो अभी जाके शाम में फिनिश हुआ है, तो अभी वो बनाने जा रही हैं मीठा, उन्होंने चढ़ा दिया है, दिखाते हैं। इधर जो है आप ही ने जल्दी जल्दी से जो है ग्लैंडर में पीसे हैं चावल, उसके लिए खीर के लिए, क्योंकि चावल डलते हैं खीर में तभी खीर जो है गाढ़ी होती है, और मैंने इतना खा लिया है मेरा पेट फुल हो गया है। और इस साइड पे देख सकते हैं आप
लोग दूध इसमें डल चुका है देज के में और इधर मीठा बनना स्टार्ट हो चुका है। चीनी डाल दी इसमें, चीनी भी डाल दी अच्छा भाई रूजा भी ने, और अब ये डाल ली है चावलों का पेस्ट। रोजा पे कह रही है तो अब बस इसे ना आस्ता आस्ता से चलाते रहना है, तो ये जिम्मेदारी है मुझे देके जा रही है। क्यों? क्योंकि इन्हें होना है अभी तैयार, तो ये मैं इसको हिलाती रहूँगी, खड़े होके हिलाती रहूँगी जब तक ये पक ना जाए। तो अब मुझे जो है इधर चूल्हे पास खड़े होना पड़ेगा इतना रेडी शेडी हो के। और नूर इधर आइए और बोल रही है मेरे सर में दर्द हो रहा है, ये कब से तैयार हुई हुई है सर में, तभी इसके सर में दर्द होने लग गया शायद, कल तो नहीं हो रहा था आज हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। तो गाइस अभी हो रहा है रात का टाइम, तो हो रही थी बहुत गर्मी भी रात में भी और क्या कहते हैं, तो मैंने बोला क्यों ना कपड़े चेंज कर लिए जाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। शुक्र है लाइट वाले लाइट नहीं रहे, वरना ईद के दिनों में भी वो तो लाइट ले ही है। क्या कर रही है खड़ी है यहाँ पर कुछ सोच रही है गाइस। तो क्या कहते हैं बस रूजा भी रेडी हो चुकी है, मैं उनको दिखाती हूँ ज़रा, वो अब रात में रेडी हुई है देखें ज़रा। और आप लोग यहाँ पे चेक करें ज़रा, मीठा भी जो है रेडी हो चुका है माशाल्लाह से और गरम गरम हो रहा है। टाइम देख सकते हैं आप लोग 7:30 बजे का होने वाला है सन टाइम। गाइस मैंने सूट पहना है, ये पर्पल कलर का है सूट और ये ब्लू कलर का है दुपट्टा और नीचे ब्लू कलर की भी जो है ना फ्लेपर वाली पैंट है, और नूर का भी ड्रेस जो है इस कलर का पीच कलर का है नूर का ड्रेस भी, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देख सकते हैं आज आप लोग नूर को, नूर जो है फ्लेपर है, फ्लेपर वाला सूट है, बहुत ही प्यारा फ्लेपर वाला सूट है इनका। मेकअप बहुत ही अच्छा ये कर लेती हैं गाइस। मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, काम वगैरह सब फिनिश कर लिया है मैंने, बस बर्तन हैं जो अभी सब खा लेंगे, फिर उसके बाद मैं वॉश कर लूँगी बर्तन भी। और मैंने कैट को भी खाना खिला दिया और आज मैंने देखे बाल खोले हैं अपने, ये कल तो मुझे बोल ली थी कि इतने अपने बाल खोले हैं, आज ये भी खोल लिए इन्होंने। तो मैंने भी उलझन होती है ज़्यादातर, तो इसलिए मैं जो है बांध के ही रखती हूँ। और ये रात में तैयार हुई हैं। हाँ कोई बात नहीं, अब जब टाइम मिलेगा जब ही तैयार होंगे ना। तो बस कुछ इस तरह से मैंने हेयर स्टाइल बनाया है, वही उसी के जो वाइट थे ना बिल्कुल वैसे ही है, मैंने पिंक लिए हैं बिल्कुल ऐसे ही हैं, और ये मेरे इयर रिंग्स बता रहे हैं ये तो मैंने जो है चूड़ियाँ भी पहनी है गाइस, ये मुझे सुनहरी अच्छी लग रही थी, मैच तो नहीं हो रही इसमें लेकिन सुनहरी सब में मैच हो जाता है कलर, तो गोल्डन ये प्यारी सी। हाँ मुझे चूड़ियाँ बहुत पसंद है गाइस। तो बस ज्यादा तो रूटीन शेयर नहीं हो सकी क्योंकि जाहिर सी बात है काम में लगे रहे, सोचा तो बहुत कुछ था कि हम शेयर करेंगे पर नहीं पर हो ही नहीं सका, वही जो सोचते हैं आप भी आई थी तो फिर उनको देख रहे थे। हाँ फिर उनके जो बच्चे हैं उनको भी जाहिर सी बात संभालना पड़ता है, छोटे हैं अभी वो लोग। तो बस बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, बस वीडियो नहीं बना पाए, चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब कुछ अच्छा हो रहा होता है जैसे कुछ भी, तो जो है कैमरे का होता ही नहीं है हम लोगों को होश कि हम लोग जो है वीडियो वगैरह बना लें, कि साइड में होता है मोबाइल और जो है सब कुछ ख़त्म भी हो जाता है पता ही नहीं चलता तो बस इसलिए आज की वीडियो भी थोड़ी हमारी नहीं बन पाई ज़्यादा, पर कोई बात नहीं। मैंने आज बनाए मीठे में खीर, तो तुमने खा ली खीर? नहीं मैंने खीर नहीं खाई। अच्छा चलो खा लेना खीर, बहुत मज़े की बनाई है मैंने। अभी आप ही जो है निकालने जा रही हैं खीर, उन्होंने ठंडी नहीं हुई ना असल में अभी, तो अभी बनाई थी ना इन्होंने गरम, अभी नहीं बनाई कब से मगरिब से पहले की बनी हुई, एक घंटा हुआ होगा। हाँ तो बस अभी ये ठंडी करने के लिए भी रखूंगी, तो सब खाते जाएंगे रात तक जब तक उठे हुए हैं। तो आपने बताना है मेरा नया लुक कैसा लग रहा है, आज मैंने हेयर स्टाइल सॉरी मैंने आज बाल खोले हैं अपने, वैसे पता मुझे इतनी गर्मी लग रही है ना, मुझे उलझन होती है जब तक मैं समेट के नहीं रखूँ अपने बाल, तो दिखाओ मेरा नया लुक। अभी मैं आपको दिखाती हूँ रुजापी का पूरा ड्रेस के कैसे लग रही है, बोल रही है दिखाओ मेरा भी दिखाओ। तो गाइस ये जो गाइस ये मेरा नया लुक, ये ड्रेस कुछ इस तरह से है और नीचे इसके पैंट है। तो खुद से जो है अभी हम घर में ही है तो हमने इसलिए स्लीपर्स वगैरह बिल्कुल नहीं निकाली, वो ऐसी डब्बों में रखी हुई है बिल्कुल मैचिंग के लिए है, मुझे खुद से पसंद है तो मैंने खुद से ही तीनों दिन के लिए खुद से ही लिए हैं सूट के साथ अपने। तो
तो वो निकालना मैं भूल गई, अंदर डब्बे में रखे हुआ ना, वो भी मैं आपको पहन के दिखाती। तो आपने बताना है कैसी लग रही हूँ गाइस, अभी बहुत गर्मी लग रही है गाइस, आपको पता है। तो गाइस बस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं हम, तो जितना भी था दिन में हमसे दिखाया गया हमने व्लॉग बनाया उसका, और अभी व्लॉग जो है तो बस आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट की बहुत, हमारे चैनल को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। माशाल्लाह अभी आप लोग वैसे काफ़ी सपोर्ट करने लग गए हैं, हमें अच्छे खासे व्यूज आने लग गए हैं भाई। हाँ आने तो लग गए हैं व्यूज। हाँ तो आप लोगों का थैंक यू, शुक्रिया। तो ये दुपट्टा जो मैच नहीं हो रहा ना गाइस, ये मेरा दुपट्टा ना इसके साथ मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ रह गया है कपड़ों में जो है, तो इसलिए हाँ। ये मैंने ना आप ही का ले लिया है, आप ही आएंगी ना, उनका भी ड्रेस कुछ इस तरह था, पर ये ना हल्का है थोड़ा कलर मिल नहीं रहा, पर कोई बात नहीं, मैंने बोला थोड़ा बहुत तो मैच हो रहा है, इसकी ये जो पट्टी है ना गाइस ये मैच हो रही दुपट्टा थोड़ी सी। तो कोई बात नहीं, हमने व्लॉग ही बनाना था, हमने कहीं जाना तो था नहीं, तो कोई बात नहीं गाइस। और उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और सिमरा इसलिए नहीं है क्योंकि सिमरा सो गई है, वो बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए। तो बस मिलते हैं एक नए व्लॉग में तीसरी ईद पे, ईद के तीसरे दिन, ईद के तीसरे दिन, और रेडी होके आएंगी इंशाल्लाह, ये बहुत जल्दी दिन में रेडी होके आएंगी। हाँ देखते हैं तीसरी ईद भी कैसी जाती है, तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और सिमरा की तरफ से भी आप सब अल्लाह हाफिज़।